This channel does not promote or encourage any illegal activities. All contents provided by this channel is meant for educational purpose only. हाँ जी बेबी, नहीं एक तो मेरे को चाहिए और अभी चाहिए, देखो तो मना नहीं कर सकती ना, ना 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 मेरे को चाहिए, पैसा मेरे को नहीं पता, मुझे चाहिए तो चाहिए, अभी चाहिए, दे देने बोले। हाँ भाई, क्या कैमरा चालू किया? कहते काम करना नहीं करना तुमने? सर कैमरा तो कब का चालू है? बताएगा कौन है? तो कैसे हैं आप लोग? मैं सर डॉक्टर मशहूर भलाती। तो आज हम लोग खेलेंगे बैडमिंटन, नहीं नहीं खेलेंगे, आज हम बनाएंगे इससे आज हम बनाएंगे सर इग्नाइटर। अच्छा तो भाई तुम एक काम करो ना, तुम यहाँ के बैठ जाओ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, तुम्हें ही पता है सब कुछ कि क्या बनाएंगे और क्या नहीं बनाएंगे, आ जाओ। सॉरी सर। तो आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि हम इस चीज से इग्नाइटर कैसे बनाएंगे। ये मच्छर मारने वाला यंत्र आप सबके घर में होगा, आप जानते ही होंगे क्या चीज है ये। तो मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से बताऊंगा कि इससे इग्नाइटर कैसे बनेगा। तो चलिए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमें सबसे पहले इसको खोल लेना है, इसके सारे पेंच खोल दीजिए। तो हमने इसके सारे पेंच खोल लिए हैं, अब हम इसे बहुत केयरफुली इसको ओपन करेंगे कि इसके कोई भी लाइट या कोई भी बटन इसका हिले नहीं अपनी जगह से। हमने इसे ओपन कर लिया है। अब हमारे पास यहाँ पे ये दो वायर्स हैं, हमें इन वायर्स को अलग करना है इसमें से। तो ये हमने फटाफट यहाँ से अपना एक ये वायर काट के अलग कर दिया है, और ये हमने दूसरा वायर भी काट के यहाँ से अलग कर दिया है। सबसे पहले हम इसका ये गुल्ला रिमूव कर देंगे, ये हो गया अलग। चलिए पहले हम इसे साइड रख के अपना स्पार्क प्लग बनाते हैं, जिसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी एक इलेक्ट्रिकल वायर की, दो नेल्स की, एक इलेक्ट्रिकल टेप की ज़रूरत पड़ेगी, और एक हमें चाहिए रहेगी मैच स्टिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। तो अभी हमें पहले अपने वायर्स को इस तरह से छील लेना है, और दोनों वायर के साथ एक एक नेल अटैच करनी है, जिसके लिए हम यूज़ करेंगे अपना सोल्डरिंग आयरन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सोल्डरिंग। तो हमारे दोनों नेल्स अच्छे से सोल्डर हो गए हैं, अब हम इनके ऊपर टेपिंग करेंगे इस तरह से। हमें टेपिंग करते हुए ध्यान रखना है कि टेपिंग बिल्कुल ऊपर तक ना होए, हमें ऊपर से एक एंड छोड़ना है अपनी नेल का। तो हमारे दोनों नेल्स तैयार हो गए हैं, दोनों अच्छे से अटैच हो गए हैं, टेपिंग भी हो गई है। अब हमें करना ये है कि हमारी इस मैच स्टिक को इन दोनों के बीच में प्लेस करना है, और इसकी प्लेसिंग ऐसी होनी चाहिए कि दोनों नेल्स के बीच में एक डिस्टेंस मेंटेन रहे। अगर डिस्टेंस नहीं होगा तो स्पार्क भी नहीं होगा, समझ लीजिए लगभग इतना डिस्टेंस हमें चाहिए इसमें। हमारा स्पार्क प्लग अब पूरी तरह तैयार हो चुका है, तो आगे बढ़ते हैं। तो हमारे स्पार्क प्लग की जो वायर थी, उसका जो दूसरे एंड्स हैं, उनको हमें इस चीज में इन दोनों पॉइंट्स पे सोल्डर करना है। तो चलिए करते हैं।
तो हमारे दोनों वायर्स भी अच्छे से सोल्डर हो गए हैं। अब हमें इस चीज को वापस से पैक करना है, फिर हम करेंगे इसकी टेस्टिंग। तो भाई ये स्पार्क प्लग तो अपना तैयार हो गया है, तो एक काम करते हैं इसकी थोड़ी टेस्टिंग कर लेते हैं। मैं फटाफट एक सेटअप लगा लेता हूँ, फिर मिलते हैं हम, हैं। तो भाई अपना सेटअप तो तैयार हो गया है। ये मैंने यहाँ पे एक बॉटल लगा दी है, इस बॉटल के अंदर मैं ये डीओ स्प्रे करूँगा और उसके बाद हम यूज़ करेंगे अपना ये इग्नाइटर और फिर देखते हैं क्या होता है। तो चलिए। तो भाई जैसा कि आप लोगों ने देखा कितने काम की चीज़ है ये, कितना अच्छा स्पार्क प्रोड्यूस करती है। तो भाई आप इसकी जो लेंथ है वो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आपको कितना डिस्टेंस, या आप कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे हो भाई, रॉकेट का प्रोजेक्ट कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो आपको उसमें इग्निशन का काम है, तो इसमें पूरी तरह काम की चीज़ है, ये आपके काम आएगी। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्या कहते हैं इसे, इग्नाइटर। तो तुम ही आ जाओ, सब कुछ तुम ही कर लो, मेरे को नहीं करना, मैं जा रहा हूँ, मेरे को जैसे घर जाना है, मेरे को जगह दो, मेरे को घर जाना है, मैं जा रहा हूँ।